हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कविज कुकिंग वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं वेज सीख कबाब। मैं कविता शास्त्री कविज कुकिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लगभग एक कप सोया ग्रैनुल्स ले लिए हैं। मैं न्यूट्रिला के ग्रैनुल्स यूज़ कर रही हूँ। हम इन्हें गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। मैंने पानी को बॉईल होने रख दिया है और मैं उसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। पानी बॉईल हो गया है, मैं इसमें सोया ग्रैनुल्स डाल रही हूँ और इसे हम 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ये बॉईल हो गया है, मैं गैस बंद कर रही हूँ। हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा ठंडा पानी डाल रही हूँ ऊपर से। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से इस तरह से स्क्वीज कर लेंगे। मैंने सारे सोयाबीन्स अच्छे से स्क्वीज करके एक मिक्सी के बर्तन में ले लिए हैं। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। बिल्कुल इसका कीमा बना लेना है हमें। और एक मिक्सिंग बोल में मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज अनियन को लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। 7-8 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ, थोड़े अदरक और 2 हरी मिर्च। हम इसे भी मिक्सी के बर्तन में पीस लेंगे। मैं वही मिक्सी का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। हमें बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करना है। कांदा हरी मिर्ची की पेस्ट भी बन गई है, हम उसे भी हमारे सोया ग्रैनुल्स के कीमे में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हमारे सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, फिर थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, मैं एवरेस्ट का गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून मैदा। ये सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा भी सौगी लगे मिश्रण, तो आप इसमें थोड़ा और कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड कीजिएगा। मुझे ये थोड़ा सा सौगी लग रहा है, थोड़ा और कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। मैं करीब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मैं थोड़ा और मैदा भी ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून मैदा। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। अब ये मिश्रण काफ़ी ठीक लग रहा है। फ्रेंड्स, हम जो बाहर कबाब खाते हैं वो कोयलों पर अच्छे से इत्मीनान से सेका जाता है, इसीलिए उसमें एक अलग सा स्मोकी फ्लेवर होता है। वो स्मोकी फ्लेवर हमारे कबाब को देने के लिए हम यहाँ पर कोयला रखेंगे। मैंने यहाँ पर गर्म कोयला ले लिया है। मैं इस पर थोड़ा घी ऐड करूँगी। और हम इसे तुरंत ढक देंगे। हमें इसे 2-3 मिनट के लिए इसी तरह ढके रहने देना है। जो स्मोकी फ्लेवर हमें चाहिए वो मिश्रण में आने के लिए हम इसे 2-3 मिनट के लिए बंद रखेंगे, ताकि इसका सारा स्मोकी फ्लेवर हमारा जो मिश्रण है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। 2-3 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा देंगे और अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम कबाब बना लेंगे। पहले इस तरह से हम लंबे लंबे रोल कर लेंगे। हाथों में पानी लगा लगा के और फिर इस तरह से कबाब हमारे रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे।
हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ही तेल ले रही हूँ। तेल पैन में चारों दिशाओं में फैला लीजिए। मैंने गैस को स्लो रखा है। ऑयल ब्रश करेंगे, इसे हम हल्के से पलटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। ये दोनों तरफ से जब फ्राई हो जाए तब हमें इस तरफ से भी फ्राई हो जाए, इसीलिए इसे ऐसे सेट कर देना है पैन में, ताकि ये वाली जो साइड है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। आपको जैसे भी इजी लगे उस तरह से आप इसे पैन में सेट करके अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारे वेजी कबाब सर्व करने के लिए रेडी है। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। हमने इसमें जो कोयले का स्मोकी फ्लेवर दिया है उससे इस बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, बाय।